उच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाले आदरणीय आचार्य रामरत्न शुक्ल जी जो मुख्यमंत्री महोदय के दाहिने ओर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मानित होवे। आचार्य रामरत्न शुक्ल जी, तपः स्वाध्याय पूतांतः करणानां आचार्य रामयत्न शुक्ल महोदयानां जन्म उत्तर प्रदेशस्य वाराणसी जनपदे त्रिकोणेषु गंगा परिवेष्टित सुपावन तटे कला तुलसी नाम के गर्भ के अभवत्। आचार्य शुक्ल महोदयाः अध्ययनानन्तरं कृपया मीडिया के लोग शांति बनाए रखें, पुरस्कार को व्यवस्थित रूप से देने दें, ताम्रपत्र। आचार्य शुक्ल महोदया राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृता सन्ति, श्रीमंता केशव पुरस्कार वाचस्पति पुरस्कार पुरस्कृता सन्ति। संप्रति आचार्य वर्या वाराणसीस्थ काशी विद्वत परिषद अध्यक्ष एवं नागकूप शास्त्र समिति वाराणस्या संस्थापक संस्कृत भाषाया प्रचार कुर्वन्ति। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान आचार्य रामयत्न शुक्ल महोदयानां उत्कृष्टां संस्कृत सेवां विविच्य एनं 1,000,000 रूप्यकात्मकं विश्वभारती सर्वोच्च पुरस्कारेण सभायां गौरवम् अनुभवति। संप्रति आचार्य प्रभुनाथ द्विवेदिनः महर्षि वाल्मीकि पुरस्कारेण सभायां अभूत्। आचार्य प्रभुनाथ द्विवेदी प्रणीतानां समीक्षात्मकं सोपाक्यानां च ग्रन्थानां संख्या 44 वर्तते। संप्रति आचार्य सेवानिवृत्तिं प्राप्य इदानीमपि संस्कृत कार्ये संलग्नाः सन्ति। आचार्य प्रभुनाथ द्विवेदी महोदयानां उत्कृष्टां संस्कृत सेवां विशिष्टं वैदुष्यं च विलोक्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् एनम् 1,000,000 रूप्यकै वाल्मीकि पुरस्कारेण सभाजे आत्मानं गौरवम् अनुभवति। इदानीं डॉक्टर श्रीमती 22 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस समय सम्मानित करना है हमारे विद्वत जनों को। इदानीं श्रीमती तिवारी महोदया विभिन्न वर्षेषु विभिन्न पुरस्कारैः सम्मानिता वर्तन्ते, यथा राजस्थान अकादमीतः भारतीय मिश्र पुरस्कारः एवं संस्कृत शिक्षक पुरस्कारः। श्रीमत्याः शशि तिवारी महोदयायाः विशिष्टां संस्कृत सेवां देशे विदेशे च प्रसरति। एतस्य शुभकुलं वैदुष्यं च विलोक्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् एनाम् 1,000,000 संख्या परिमिते रूप्यकैः व्यास पुरस्कारेण पुरस्कृत्य नितान्तं गौरवम् अनुभवति। पुरस्कार स्वरूप धनराशि सरस्वती प्रतिमा अंगवस्त्रं ताम्रपत्रं च प्रदीयते। संप्रति आलये महोदयाः शिक्षणं प्रारब्धवन्तः, 48 छात्रैः एतेषां निर्देशने पीएचडी उपाधिर्लब्धाः। परम लघु मंजूषा प्रौढ़ मनोरमा काशिका कादंबरी प्रभृतिया 24 ग्रंथाः संख्यकाः ग्रंथाः प्रकाशिताः। श्रीमताम् अन्येऽपि ग्रंथाः प्रकाशनं प्रतीक्षमाणाः सन्ति। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् आचार्य जयशंकरलाल त्रिपाठी महोदयानां सुदीर्घां संस्कृत सेवां संस्कृतं प्रतिनिष्ठां समवलोक्य 1,000,000 रूप्यकाणां विशिष्ट पुरस्कारेण नितान्तं गौरवम् अनुभवति। आचार्य त्रिपाठी वर्याः काण्डिकूपनगरे जन्म प्राप्य काशीम आगत्य शिक्षाम। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी और मंच पर उपस्थित जिन्हें विश्व भारती पुरस्कार से सम्मानित किया, आचार्य रामरत्न शुक्ल जी, आचार्य प्रभुनाथ द्विवेदी जी, डॉक्टर श्रीमती शशि तिवारी जी और बहुत सारे संस्कृत के सभी विद्वान में उपस्थित सभी मान और पत्कार साथी, मैं सबसे पहले संस्कृत का सम्मान पाने वाले सभी विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। संस्कृत विभाग और भारतीय भाषाओं का विभाग और हमारे हिंदी संस्थान के अध्यक्ष, ये सभी जानते होंगे जब से समाजवादी सरकार बनी है हमारी कोशिश रही है कि उन तमाम विद्वानों का सम्मान किसी न किसी रूप में किया जाए। हिंदी संस्थान मैं कह सकता हूं कामकाज में सबसे आगे निकल कर न केवल अपने प्रदेश के बल्कि भारत के जितने भी साहित्य का जो हिंदी से जुड़े थे उनको
कई समारोह में मिलने का मौका मिल गया और सम्मान के माध्यम से जुड़ने का भी मौका। संस्कृत भाषा का मैं समझता हूँ एक ही कार्यक्रम होता है साल में, वो भी मुख्यमंत्री आवास में या किसी भी जगह पर जब सम्मान देना होता है। ये हमारी सबसे प्राचीन भाषा भी है और जैसा कि कहा कि सभी भाषाएं इसी से निकली। मैं समझता हूँ जब बुजुर्ग लोगों के साथ रहें और अपने उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों के बीच बैठें तो कहीं ना कहीं ज्ञान मिलता है। और आज जब संस्कृत के कार्यक्रम में हम लोग बैठे हैं, बहुत जानकारियां भी मिली और बहुत बड़ा ज्ञान भी मिल गया। हालांकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, ग्रामोफोन के इन्वेंशन कब हुआ था ये तारीख तो याद रखते हैं, लेकिन सही मायने में ग्रामोफोन से कौन सी भाषा निकली आज जाने, या उस इन्वेंशन के समय पर किस भाषा को का इस्तेमाल किया गया। मैं समझता हूँ जहां आपने कहा कि हमारी प्राचीन भाषा है वही सबसे सम्मान वाली भाषा भी यही है। जहां धर्म से जुड़ी है, मंत्रों से जुड़ी है और कई बार अगर हमें भजन भी सुनने होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है संस्कृत में और संस्कृत के सही भजनों को मिले कहीं पर। इस भाषा के लिए मैं समझता हूँ संस्कृत भाषा के लिए जहां सरकार की तरफ से जो हो सकता है वो करेंगे और आने वाले समय में इस भाषा को कैसे और समाज के बीच में पहुंचाया जाए उस दिशा में भी काम करेंगे। जैसा कि आपने याद दिलाया कि नेताजी ने संस्कृत के लिए बहुत काम किया, मैं समझता हूँ जो जितने भी समाजवादी लोग पत्रकार साथी हैं जो जानकारी रखते होंगे, नेताजी ने हर भाषा के लिए काम किया, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो या हमारी जितनी भारतीय भाषा, उनके बारे में बहुत काम किया। क्योंकि जितनी ये भाषाएं हैं संस्कृत, भारतीय भाषा और हिंदी उर्दू, ये हमें जोड़ने की भाषा है, हमें आपस में मिलाने वाली भाषा है। वहीं जहाँ कामकाज या तरक्की की खुशहाली ऐसा ही है कि दूसरी भाषाओं में हुई है और उसका प्रभाव भी समाज में बढ़ा है, हम समझते हैं कि हमारी तमाम भाषाओं का सम्मान कैसे वापस लौटे, उस दिशा में भी हम लोगों को सोचना होगा। जहाँ सरकार की तरफ से संस्कृत के स्कूल बंद हो रहे थे, सबसे ज्यादा अनुदान सूची में लेने का काम नेताजी ने किया, उसके बाद यही समाजवादी सरकार ने अनुदान सूची में भी देने का काम। जिस संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कहा कि उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, हम तो यहाँ पे कहेंगे हमारी यूनिवर्सिटी जो है हम तो प्रस्ताव भेज देंगे, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले लोग तो दिखावे में ज्यादा है संस्कृत के करीब। मैं कहूंगा अगर ये ले लें तो अच्छा है, अगर नई यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे तो उसके लिए भी सरकार जगह उपलब्ध करा देगी। मुझे खुशी की बात यह है कि जितने भी लोग संस्कृत के सम्मान प्राप्त हैं, मैंने सबसे पूछा कहाँ के, एक आदि लोग निकले होंगे जो गंगा के किनारे के नहीं बल्कि सब गंगा के किनारे के ही निवासी लोग हैं। जाकर इस महत्व को हम समझते हैं, जहां हमारी भाषा अच्छी हो, संस्कृत भाषा का सम्मान बढ़े, वही हमारी भारतीय भाषाओं का भी सम्मान कैसे बढ़े। अगर हमारी भाषाओं का सम्मान बढ़ता है तो हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी और जो प्रभाव पड़ रहा है दूसरी भाषाओं में या दूसरी संस्कृति उनको भी हम लोग रोकने में कामयाब हैं। इस मौके पर आप सब लोग आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और जो आपने पुरस्कार स्वीकार किया है उसके लिए भी बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। आप समय समय पर हम लोगों को जानकारी देते रहे, निर्देश भी देते रहे, क्योंकि आप गुरु हैं और आप उम्र में भी बहुत हैं, बड़े हैं, इसलिए समय समय पर अगर संस्कृत से जुड़ी कोई बात कहेंगे तो सरकार स्वीकार करेगी और उस समय फैसला लेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ साथ क्योंकि आज का दिन हमारे तमाम जो जेल गए थे आपातकाल में उन्हें याद होगा, ये जिस तरह से पुरस्कार बंद हो गए थे उसी तरह ये इनको जो पेंशन मिलती थी वो भी बंद हो गई थी। पुरस्कार भी समाजवादियों ने शुरू की और पेंशन भी शुरू की और जबकि सरकार बदल जाती है तो ये तमाम चीजें बंद हो जाती है। इसलिए हम आपातकाल के हमारे जितने भी सेनानी हैं उनके लिए हम कहेंगे आज के दिन कि राज्य सरकार इन लोकतांत्रिक रक्षक सेनानियों की सुविधा और अधिकार के लिए एक अधिनियम बनाने की कार्रवाई करेगी ताकि इनके हित सुरक्षित रह सके और कोई आने वाली सरकार इनको हटा ना। इसके साथ साथ मैं
मरियम सिद्दीकी का भी धन्यवाद देता हूँ कि दोबारा आप आए यहाँ पर, आपको भी बहुत पुरस्कार मिला और देश में जितने भी लोग हैं आपको सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, हम लोगों ने भी सम्मान किया, प्रधानमंत्री ने भी सम्मान किया। ये अलग बात है कि जो उत्तर प्रदेश काम करता है वही केंद्र सरकार कभी कभी काम करता है, हम लोग आगे हैं, केंद्र सरकार कई कामों पीछे है, केवल एक ही नहीं आपके मामले में नहीं और मामलों में भी है। इसलिए मैं आपका भी स्वागत करता हूं क्योंकि संस्कृत से आप जुड़ी हैं, संस्कृत की वजह से आपको सम्मान मिला और आपने ये जो पहचान बनाई, मैं समझता हूं ये भाईचारा और एकता की बहुत बड़ी पहचान है कि आपका धर्म दूसरा लेकिन उसके बावजूद भी आप संस्कृत बहुत अच्छा बोलते भी हैं और संस्कृत श्लोक बहुत आपको याद भी है। बहुत बहुत बधाई आपको।